जरा सोचिए, आप उस गांव या शहर में रहते हैं जहां घर और मकान तो कम है मगर मंदिर हजारों की संख्या में है। जब आप किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आप जहां तक देखते हैं वहां तक आपको सिर्फ मंदिर और उनके शीर्ष ही दिखाई देता है। कैसा होगा वो नजारा जब आप एक से एक सुंदर सुंदर मंदिर और बड़े आकार से लेकर छोटे छोटे आकार के मंदिरों को विजिट करेंगे। सच कहो तो ऐसा लगेगा जैसे हम जन्नत में ही आ गए हो। दोस्तों, ऐसा ही एक शहर है म्यांमार में जो हजारों मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर है ओल्ड बगान जो म्यांमार देश के मध्य में इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है और इन्हें प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। प्राचीन बगान का ये प्राचीन मंदिर है आज से लगभग 900 साल पुराना है। 900 साल पहले 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच इस जगह पर 10,000 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यह निर्माण बेगान साम्राज्य यानी बेगान साम्राज्य के शासकों ने करवाया था। बगान शहर 9वीं से 13वीं शताब्दी तक बगान साम्राज्य का राजधानी था। यह शहर बेगान साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यह समृद्धशाली शहर उस समय धार्मिक शिक्षा का एक बड़ा अध्ययन केंद्र बन गया था, जहां अध्ययन के लिए बौद्ध भिक्षु दुनिया के चारों कोनों से यहां तक कि भारत से भी आते थे। यहां पर स्थित टोटल मंदिर 104 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें बौद्ध धर्म का मंदिर, पगोडा और मठ शामिल है। ऊपर से देखने में यह शहर ऐसा लगता है मानो जैसे यहाँ मंदिरों का मेला लगा हो। जहाँ 900 साल पहले बगान 10,000 भव्य मंदिरों से चकाचौंध रहता था, वही आज यहाँ मात्र 2300 मंदिर सुरक्षित बचे हुए हैं और बाकी के अन्य मंदिर और पगोडा प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो चुके हैं, जिसका अवशेष यहाँ बिखरा हुआ दिखने को जरूर मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक छोटे से क्षेत्र में 2000 से अधिक मंदिरों का होना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। यह मंदिर और पगोडा आज पर्यटक को अचरज में एक बार जरूर डालते हैं कि 10,000 भव्य मंदिरों के कारण इनका अतीत कितना भव्य रहा होगा। आज के समय में इस मंदिरों के शहर में छोटे छोटे मंदिरों से लेकर बड़े बड़े मंदिर सभी विद्यमान है, जहाँ पर प्रत्येक 100 मीटर के दायरे में एक मंदिर या पगोडा देखने को जरूर मिलता है। बचे हुए 300 टेम्पल्स में कुछ दर्जन मंदिर ऐसे हैं जो कि काफी बड़े हैं और काफी भव्य हैं, और इन मंदिरों को नियमित रूप से रख रखाव किया जाता है। इन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर धमायांगी टेम्पल है और सबसे सुंदर और फेमस मंदिर अनंदा मंदिर है। इसके अलावा सेजीगोन पगोडा, गोडो पाली टेम्पल, थटबिनु फाया, सिलमानी टेम्पल, लोकोमंदार पगोडा, धमायजका पगोडा, निगलन जेडी पगोडा और ऐसे कई पगोडा और टेम्पल मुख्य रूप से लार्ज और देखने योग्य है। हजारों मंदिरों के अलावा सुबह के समय जब इन मंदिरों के ऊपर से हॉट एयर बैलून उड़ता है तो यह मंदिरों का शहर और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। प्रतिदिन यहाँ कई कंपनी द्वारा हॉट एयर बैलून राइड कराई जाती है। ये कंपनी है ओरिएंटल बैलूनिंग, गोल्डन ईगल बैलूनिंग और बैलून ओवर बगान, जो अपने अपने अनुसार राइडिंग चार्ज लेकर टेम्पल्स ऑफ बगान के ऊपर से राइड कराती है। बगान के इस मंदिरों के शहर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है और यहाँ इस अद्भुत मंदिरों को देखने लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। हालांकि यह शहर उतना डेवलप्ड नहीं है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़कें नहीं है, फिर भी पर्यटक दूर दूर से इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हजारों मंदिरों का शहर? क्या आप वाकई में ऐसे शहर के बारे में जानते थे? ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अमेजिंग जगहों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।